गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और जितनी भी मेरी वीडियो है वो एंड तक देखें अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। दो अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके बच्चों प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो चलो आ जाओ बच्चों, आज बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस, जो इफेक्ट रजिस्टिविटी पे होने वाला है वही इफेक्ट रजिस्टेंस पे होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। रो इफेक्ट होगा, आर भी इफेक्ट होगा डायरेक्टली है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर में ले जाना चाहता हूं। मैंने रजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन प्रूव किया था, याद है? हमने प्रूव किया था रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो इफेक्ट है टेम्परेचर का सभी मेटीरियल में डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर में, देन हम सेमीकंडक्टर में बात करेंगे, फिर इंसुलेटर में बात करेंगे, फिर हम अलॉय की भी बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो बच्चों क्या होगा? देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी, देखो बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो उनको जो टाइम लगने वाला है वो कम होगा। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम हो जाएगा। तो कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो फिक्स होते हैं। ये नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर में बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होंगे। तो टाइम कम हो जाएगा तो बच्चों रजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, और रजिस्टिविटी बढ़ जाएगा तो रजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा क्योंकि रजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए डायरेक्टली है। तो एक बात समझ में आ गई, इन केस ऑफ कंडक्टर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड रजिस्टिविटी इनवर्सली टू टाउ, दैट्स व्हाई रजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीज एंड व्हेन रजिस्टिविटी इंक्रीज देन रजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। तो ये सिचुएशन है। तो आज आपको एक बात समझ में आ गई, कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, समझ गए? तो कंडक्टर के केस में रजिस्टेंस रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेशन है बच्चों। अगर हम बात करें कॉपर के लिए तो कॉपर जैसे कंडक्टर में क्या आ जाएंगे, ऑल मेटल आ जाएंगे भाई। ऑल मेटल में यही सिचुएशन होगी बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर में ग्राफ कुछ ऐसा आता है रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ। जीरो से स्टार्ट नहीं होता क्योंकि जीरो केल्विन पे उसका रजिस्टेंस जीरो नहीं होता है, इसलिए थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। तो कॉपर के लिए ये ग्राफ है फॉर कॉपर Cu। ये ग्राफ बहुत आते हैं बोर्ड में कि कॉपर के लिए रजिस्टिविटी और टेम्परेचर में ग्राफ ड्रॉ करो। तो लगभग सभी मेटल का ऐसा ही होगा, किसी का थोड़ा ऊपर से किसी का थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा, लेकिन कंडीशन यही रहेगी टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस बढ़ते हैं। रीजन क्या है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है। तो हम लिखेंगे
रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज टाउ डिक्रीजेस। वैसे आप ये रीजन लिख सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। समझ आ गया बच्चों? चलो अब बात करते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? देखो सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अगर आपने देखा हो सेमीकंडक्टर में, जैसे केमिस्ट्री में सिलिकॉन, सिलिकॉन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फिजिक्स में तो अजीब लगता है नहीं, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही होता है। सिलिकॉन ने एक अपना बॉन्ड बनाया तो 2, 4, 6, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे सिलिकॉन, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये दो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हैं। इनमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों सीधी सी बात है, अगर मैं आपकी आग लगा दूं आप बहुत स्पीड से दौड़ेंगे। अगर आपको मैं आग लगा दूं तो आप इतनी स्पीड से दौड़ेंगे पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, दौड़ोगे नहीं दौड़ोगे, दौड़ोगे ना। तो इसी तरह अगर हम किसी भी मटेरियल को जब हीट करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, तो बच्चों उसके इलेक्ट्रॉन भी दौड़ने लगते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे स्पीड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली टाइम कम होना ही है। तो सेमीकंडक्टर में भी टेम्परेचर बढ़ने से टाउ कम होगा, टाउ कम होगा तो ये बढ़ेगा क्योंकि इन्वर्सली है। लेकिन सेमीकंडक्टर में एक फैक्टर और है बच्चों जो इसको अफेक्ट करता है, वो है एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक बॉन्ड टूटने से दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे एन इंक्रीज होगा। तो जब ये बढ़ेगा तो ये इसके इन्वर्सली है तो ये घटाएगा। अब दो फैक्टर है, टाउ कम होता है तो ये रेजिस्टिविटी को बढ़ाएगा, एन बढ़ता है तो ये रेजिस्टिविटी को घटाएगा। डोमिनेंट कौन करेगा? एन। सेमीकंडक्टर में टाउ से ज्यादा इफेक्ट एन का होता है, तो एन का इफेक्ट ज्यादा होगा तो एन बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो याद रहे सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीज होते हैं, क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो इसमें लिखेंगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से एन भी बढ़ते हैं और एन बढ़ेगा तो रो कम होगा, टाउ भी कम हो रहा है, कभी सोचो सर, लेकिन इफेक्ट इसका ज्यादा होता है एन का। तो सेमीकंडक्टर में बच्चों एग्जाम्पल में सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, इनमें अगर आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, तो बच्चों ये ग्राफ आता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रजिस्टिविटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इस ग्राफ की शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सेमीकंडक्टर में समझ आ गया, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और यहाँ टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। अब बात करते हैं बच्चों इंसुलेटर का। इन केस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की सिचुएशन सेम है भाई। से इंसुलेटर में भी यही होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ कम होगा, एन ज्यादा होंगे। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है, तो इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, जो यहां पे है वो यहां पे है, सेम एज सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर में आंसर होगा वही इंसुलेटर में होगा। इंसुलेटर के एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है ना, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब किस में आते हैं? इंसुलेटर, जो करंट को पास नहीं करते। ठीक है, अब इसमें इंसुलेटर का भी ग्राफ यही होगा। ठीक है, फिर इसमें जैसे अलॉय आती है, अलॉय के केस में देखें
तो अलॉय में मैं कुछ स्पेसिफिक लिखता हूं, जैसे कॉन्स्टंटन या मैंगनीन, ये कुछ स्पेशल अलॉय है। कॉन्स्टंटन किसका है? इसका दूसरा नाम यूरेका भी है बच्चों, यूरेका, यूरेका, यूरेका होता है इसका दूसरा नाम। सी फॉर कॉपर और लास्ट में निकल, तो इसमें कॉपर और निकल का कंपोजिशन होता है। इसमें कॉपर का, ये कॉपर प्लस निकल है सी यू, और इसमें बच्चों कॉपर भी होता है, निकल भी होता है, और प्लस में मैग्नीज भी होता है। ये इन तीन का कॉम्बिनेशन है। अलॉय के केस में क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। ये जो मैंने दो स्पेसिफिक अलॉय जानबूझ के लिखी है, आगे मैं पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा, मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा, उनमें जो वायर होती है वो कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की होती है, और जो हमारे रजिस्टर बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाए जाते हैं, वो भी बच्चों इन्हीं के बनाए जाते हैं, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन के। रीजन क्या है, इनका जो टेम्परेचर का इफेक्ट है इन पे नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो इन पे जो रो है, रो डज नॉट चेंज, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। देखो चेंज आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेग्लिजिबल चेंज आता है। तो ऑलमोस्ट इनका रो क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो समझ गए, इन दो अलॉय को ध्यान रखना है, इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता तो है, नेग्लिजिबल होता है। तो इतना ध्यान रखना है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। इन दोनों में इन्वर्सली है, इसमें डायरेक्टली है, और इसमें ना के बराबर इफेक्ट होता है। अलॉय में जैसे नाइक्रोम का एक ग्राफ बना लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, या रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर। तो ये नाइक्रोम के लिए ग्राफ है, नाइक्रोम है ना, निकल क्रोमियम इनका कॉम्बिनेशन होता है, निकल प्लस क्रोमियम का। तो ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉपर के लिए ग्राफ बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। ये है टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है रेजिस्टिविटी, नाइक्रोम एक अलॉय है। ये जो मैं रो कॉन्स्टेंट बोल रहा हूं, ये सिर्फ इन दो के लिए है, बाकी नाइक्रोम में देखो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। ये वाली जो लाइन है ये सिर्फ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन के लिए है, बाकी सब में क्या है, इंक्रीज होता है। जो इफेक्ट मेटल में होता है वो एलोई में होगा, लेकिन इन दो अलोई में ध्यान रखना ये स्पेसिफिक है, इन दो में इफेक्ट नहीं होगा बच्चों, कभी कंफ्यूज हो जाओ। सभी अलोई में, इन दो स्पेसिफिक अलोई में टेम्परेचर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, बाकी सब अलोई में भी वही रिलेशन है जो मेटल में है। बाकी सब अलोई में देख लो, नाइक्रोम में क्या है, डायरेक्टली है। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा इतना। अब हम बात करेंगे कि किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो अब बच्चों हम बात करेंगे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस नोन हो और 30 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालना हो या रेजिस्टिविटी निकालना हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आर टी आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। ये फॉर्मूला होता है, आर नोट, आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो आर टी का फॉर्मूला होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, आर नॉट है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एल्फा है टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और टी है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो
तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है, इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को हम सोल्व कर लेते हैं। आर टी हो जाएगा आर नोट प्लस में आर नोट अल्फा टी, ठीक है। हमें अल्फा के बारे में जानकारी लेनी है तो अल्फा कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा आर टी माइनस आर नोट, आर नोट इधर आ जाएगा, आर नोट अल्फा टी। अल्फा कितना आ जाएगा, आर टी माइनस आर नोट अपॉन में आर नोट इंटू टी। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो, ऐसे ही रेजिस्टिविटी गिवन हो तो यहाँ रो लिख देंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के फॉर्मूले सेम है। तो ये आर टी माइनस आर नोट क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, आर टी माइनस आर नोट है चेंज इन रेजिस्टेंस, और आर नोट क्या था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट इज टी, टी इज चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे लिए अल्फा है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज कितना आया रेजिस्टेंस में वो ऊपर लिखना है, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कितना था वो लिखना है, कितना टेम्परेचर चेंज किया वो लिखना है, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा। अब मैं बच्चों आपसे सिंपल सा सवाल करता हूँ, एक दिन मैं पढ़ा रहा था ऐसे ही एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछ लिया कि सर अल्फा पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा। तो बच्चों मुझे ये बताओ, फॉर कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब मेटल, मेटल के केस में आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो पहले रेजिस्टेंस कम होगा बाद में ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो टी डिग्री पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जीरो डिग्री पे कम होगा, तो ये ज़्यादा ये कम, तो अल्फा क्या होगा पॉजिटिव। तो जो कंडक्टर होते हैं जो मेटल होते हैं इनका अल्फा पॉजिटिव है, इट मीन्स द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, राइट। फॉर कंडक्टर बच्चों, चलो फॉर इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर के लिए क्या होगा, अभी मैंने बात किया इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस कम होगा, पहले ज़्यादा था स्टार्टिंग में, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कम हो गया, ये वैल्यू कम ये ज़्यादा, तो रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव, तो अल्फा क्या होगा नेगेटिव। समझ आया, अरे समझ आया है ना मजे, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है बच्चों, और कंडक्टर और मेटल के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, मजे आ रहे हैं। अब बात करूं मैं अलॉय, अलॉय भी कौन सी बच्चों, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन, कौन सी, अगर हम बात करें फॉर कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन की बात करें तो इसमें अल्फा क्या होगा, अरे बोलो बच्चों क्या होगा, मैंने बताया था ये दो ऐसी अलॉय हैं, ये दो ऐसी अलॉय हैं जिनमें रेजिस्टेंस में चेंज ना के बराबर होता है, अगर रेजिस्टेंस मान लेते हैं थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो अल्फा भी क्या होगा माइनर सा होगा, आर नोट सपोज करो 2 और इसमें चेंज होके आ गया 2.001, इतना सा चेंज आता है, तो अल्फा होगा तो पॉजिटिव ही लेकिन स्मॉल होगा, अल्फा इज स्मॉल ऑलमोस्ट 0, 0 के आसपास होगा, तो ऑप्शन 0 हो तो 0 टिक कर देंगे या स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कब अल्फा पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा किसके लिए 0 होगा किसके लिए नेग्लिजिबल चेंज आएगा, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई वी यूज कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन फॉर स्टैंडर्ड वायर, स्टैंडर्ड वायर के लिए कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन क्यों यूज करते हैं, तो इसके दो रीजन है, फॉर स्टैंडर्ड रजिस्टर
वी यूज कॉन्स्टंटन या मैंगनीन बिकॉज इट हैव हाई रजिस्टिविटी. रजिस्टिविटी हाई होती है एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस. तो इसका रीजन ये है, इनका रजिस्टिविटी हाई होता है, अल्फा लो होता है. अल्फा लो होने का मतलब ये है टेम्परेचर का इफेक्ट ना के बराबर होता है, और रो हाई होने का मतलब ये है छोटी सी वायर में भी आपका काम चल जाएगा. भाई रजिस्टेंस बनाने हैं ना, रजिस्टर डिजाइन करने हैं तो आपको रजिस्टेंस चाहिए, तो इनकी रजिस्टिविटी हाई है तो छोटी सी वायर में काम चल जाएगा और टेम्परेचर का भी इफेक्ट नहीं होता. अगर रजिस्टिविटी इनकी लो होती तो फिर बहुत बड़ी वायर लगानी पड़ती. तो स्टैंडर्ड रजिस्टर आपके इतने इतने आते हैं जैसे लैब में देखे होंगे, तो इसलिए इनकी हाई रजिस्टिविटी लो अल्फा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समझ में कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उसका रीजन ये है. तो आपको इतना लिखना है, ड्यू टू हाई रजिस्टिविटी एंड लो अल्फा वी यूज कॉन्स्टंटन और मैंगनीन एज ए स्टैंडर्ड रजिस्टर वायर. ठीक है, आगे मैं मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा. वहाँ पे भी जो वायर बनी होती है लैब में, वो भी किसकी बनी होती है, कॉन्स्टंटन और मैंगनीन की ही बनी होती है. ठीक है, तो अल्फा से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं. न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना, जैसे मैं एक लाइव सा डेमो देता हूँ, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी लेके चलूँगा. जैसे 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस है 5 ओम, किसी टेम्परेचर पे हो गया 6 ओम, और अल्फा का वैल्यू आपका है 10^-5. इसकी यूनिट क्या होगी? देखो रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस ऊपर ओम नीचे ओम कट जाएगा, 1/टेम्परेचर. तो इसकी यूनिट क्या मिलेगी? अल्फा की ऐसा यूनिट मिलेगी सेल्सियस -1 या केल्विन -1. ठीक है, जब भी टेम्परेचर का चेंज हो तो दोनों यूनिट सेम ही होती है, कुछ भी लिख सकते हो. तो ये सेल्सियस -1, तो यहाँ से आपको ये पता करना हो कि पहले रेजिस्टेंस 5 था, अब कितना हो गया 6, अल्फा का वैल्यू है इतना. तो बताओ आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया. तो इस फॉर्मूले में पुट कर लो, अल्फा है जैसे 10^-5, आर टी का वैल्यू 6, आर नोट का 5 अपॉन में आर नोट इंटू में टी. तो टी का वैल्यू आ जाएगा, ये बच जाएगा 1/5 × 10^-5. 10^-5 को बच्चों ऊपर ले जाओ, 10^+5 अपॉन में 5. इसको 10 × 10^4 लिख दो अपॉन में 5. तो कितना आ गया? 2 × 10^4. मतलब कि टेम्परेचर को 5 से 6 करने के लिए, आप समझ रहे हो, आपको 20,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. तो 20,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब जाके रेजिस्टेंस 5 से 6 होता है. तो ये सारी हिस्ट्री थी आपकी, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होंगे, मेटल कंडक्टर में क्या इफेक्ट होंगे, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में क्या इफेक्ट. तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बच्चों. नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. तो आप देखते रहे आर फिजिक्स सब. अगर आपको कुछ लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें. थैंक यू.